नमस्कार। तो चलिए आज कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं और एक और एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। तो देखिए, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कशन किया था कि निंगिश जिदा ने अदामू और तियामत, वो जो दो अर्थलिंग्स थे, उनको जो है उन्होंने उनमें ट्रांसप्लांट किया था, एंकी और निन्मा, इनका एसेंस को, इनके डीएनए को। और उसके बाद जो है उन दोनों के अंदर एक सडन चेंज आ गया था। वो सडन चेंज क्या था, एक तरीके की नोइंग उनके अंदर आ गई थी, एक तरीके का ज्ञान उनको मिल गया था और उनको लगा था कि अब हमको अपने आप को कवर करना चाहिए। हम जो है ना अपनी नेकेडनेस के लिए वो अवेयर हो गए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वह पत्तियों से जो है ना, एक जो तियामत थी उसने एक वो बनाया अपना एप्रन, और वो खुद भी पहना और अदामू को भी पहना दिया। उधर क्या हुआ कि जो एनलिल थे, एंकी के ब्रदर, ये वहाँ जो है वो चहलकदमी कर रहे थे एडिन में, गार्डन में। उन्होंने इन दोनों पे उनकी निगाह पड़ी तो देखा ये दोनों एप्रन पहने हुए हैं, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये चेंज इनके अंदर एकदम से क्यों आया। उन्होंने जब अपने ब्रदर एंकी से पूछा इसके बारे में, तब उन्होंने उनको डिटेल में बताया कि भाई ये इस तरीके से जो है ना, इनके अंदर ये चेंजेस करने के लिए हमने अपना एक्सेस मिलाया है। ये सुन के एनलिल जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। वो बिल्कुल फ्यूरियस थे वो कि ये बहुत गलत काम किया, ये हम यहाँ ऐसा करने के लिए नहीं आए थे और ये आपने ठीक नहीं किया है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब आपने ऐसा कर दिया है तो अब और कोई मेरे पास चारा नहीं, लेकिन अब मैं इन दोनों को यहाँ नहीं रहने दूंगा, आप इनको यहाँ से ले जाइए। तो एंकी जो थे वो अदामू और तियामत को लेकर फिर आ गए थे अबजू में, और वहां पर इन दोनों के फिर वहां बच्चे पैदा होने शुरू हुए, जैसा कि वो चाह रहे थे कि ये अपने आप प्रोक्रिएट करें, वो प्रोक्रिएशन वहां पर होना शुरू हो गया था और वो काफी तादाद में जो है ना वहां पर वो अर्थलिंग जो है ना वो पैदा हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि एंकी ने जो है ना वो उनको उनकी ट्रेनिंग शुरू करी, क्योंकि उनसे उनको काम लेना था, वो तो प्रिमिटिव वर्कर थे जिनको कि उन्होंने लुलू अमीलू का नाम दिया था। तो ये जो लुलू अमीलू थे इनका जो है फिर उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की, और ये सरप्राइजिंगली काफी इंटेलिजेंट भी थे और ये सारे जो कमांड जो थे वो उनके एंकी के वो बहुत कायदे से समझते थे, उनको फॉलो करते थे और किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं करते थे कि भाई यहाँ बहुत तकलीफ है या यहाँ बहुत काम है, यहाँ धूल उड़ रही है, मिट्टी हो रही है, कुछ नहीं। तो ये जो है ना एक इनका जो एक तरीके से सक्सेसफुल हो गया था इनका एक्सपेरिमेंट। और अनुनाकी भी जो वर्कर्स थे वो सब उससे उनको छुटकारा मिल गया था, वो जो इतना मेहनत का काम था माइनिंग का। और गोल्ड भी जो है ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा मेहनती थे और काफी बिल्कुल प्रिमिटिव वर्कर्स, और ये काफी तादाद में गोल्ड वहां से जो है माइन से निकाल लाते थे, तो वो उसकी सप्लाई भी निग्रू पे होने लगी और वहां का एटमोसफेयर भी सुधरने लगा। और इससे क्या हुआ कि एक जो है ना वो एक वहां का जो पूरा एनवायरनमेंट जो था वो काफी अच्छा सा हो गया इसके चलते। तो इधर क्या हुआ कि जो एनलिल और एंकी के जो बच्चे थे उनकी भी शादी हुई, तो उनके यहाँ जैसे सिस्टम था हाफ सिस्टर से, वो तो मैरिज उन्होंने करी अपनी जो निन्मा की कुछ जो यहाँ पर निबूरियन मेडिकल असिस्टेंट साइन थी उनके साथ भी उनकी शादी हुई और उनके यहाँ पर बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। और ये जो बच्चे जो थे अब ये यहाँ पर इनकी अनुनाकी की पृथ्वी पर तीसरी जनरेशन जो है ना वो शुरू हो गई। अब पैदा जो बच्चे यहाँ पर होते थे वो होते थे अर्थ की साइकिल के हिसाब से, यानी कि 9 महीने का जो टाइम होता 9-10 महीने के अंदर ये बच्चे पैदा यहाँ हो जाते थे। उनका जो लाइफ थी वो बहुत लंबी थी जैसे निबूरियंस की थी। और फर्क ये था कि जो बच्चा निबूरू पे पैदा होता था और वहां घुटने चल रहा होता था, उसी के साथ का पैदा हुआ अर्थ पे जो बच्चा था वो यहाँ पर रेस लगा रहा होता, दौड़ रहा होता था। ये जो है अंतर था, निबूरू के बच्चों में जो अनुनाकी बच्चे निबूरू पे पैदा हो रहे थे और जो अनुनाकी बच्चे पृथ्वी पे पैदा हो रहे थे उनके बीच में। जो एनलिल का बेटा था नन्नार, उसकी जो वाइफ थी निन्गल, इन दोनों से जो है यहाँ पर ट्विंस पैदा हुए। एक बेटी पैदा हुई जिसका कि नाम था इनाना, और एक बेटा पैदा हुआ उसका नाम उन्होंने रखा उतु। तो ये दो बच्चे जो है ना उनके पैदा हुए यहाँ पर। और उसके बाद जो है यहाँ पर धीरे धीरे पृथ्वी पर जो है ना गर्मी बढ़ने लगी और जो बर्फ थी वो काफ़ी पिघलने भी लगी। वेजिटेशन जो था यहाँ पर, जो सब्जियां थी और फ्रूट जो तो लगाए थे उन्होंने, और जो अपने यहाँ पर एक तरीके का जो उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया था वो काफ़ी अच्छा फ्लोरिश हो रहा था। और जो वाइल्ड एनिमल्स थे ये भी काफ़ी ज़्यादा अर्थ के ऊपर जो है ना वो फैल गए थे, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर थे। अचानक एक चेंज हुआ अर्थ के अंदर, हुआ ये कि जो पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी थे, जो वोल्केनोस थे, वो फटने लगे और उनसे काफी धमाके के साथ वो फटते थे और पूरी पृथ्वी को हिला के रख देते थे।
तो इधर क्या हुआ कि एंकी ने भी जब देखा कि काफी काम हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि आबजू में के जो ऊपरी हिस्सा था वहां पर एक कमांड सेंटर, एक कंट्रोल सेंटर बनाया, और जो उनका बेटा था नरगल उसको उन्होंने जो है वहां का इंचार्ज बना दिया। नरगल जो था उसकी भी शादी जो जो एनलिल है इनकी एक बेटी थी एरिश की गर्ल, तो एरिश की गर्ल से जो है उसकी शादी हुई थी, तो उनको वो दोनों वहां रहते, तो उन्होंने कहा तुम दोनों यहाँ रहो और यहां पर अपने काम पे निगाह भी रखो, तो वहां का उन्होंने इसको इंचार्ज बना दिया नरगल को। नरगल ने अपने फादर एंकी को बताया कि ये कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो पृथ्वी में हो रहा है, तो ये डिस्कशन जो है ना एंकी ने एनलिल के साथ किया, क्योंकि एनलिल जो थे वो कमांड सेंटर के हेड थे, जो निब्रू की कमांड सेंटर था स्पेस सेंटर। तो वहां से उन्होंने क्या किया एनलिल ने कि वो अपने एक पूरी निगाह रखे हुए थे कि ब्रह्मांड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किन ग्रहों में की जो पोजीशन है क्या उनमें चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, वो वहां पर सारी कैलकुलेशन कर रहे थे, और जो उनके एडवांस कंप्यूटर्स थे एमी जो वहां लगे हुए थे उनकी रीडिंग के साथ वो उनको कंपेयर करके देखते थे। इधर क्या हुआ कि जो लहमू यानी मार्स पे इनका जो पूरा सेंटर था, वहां के जो इंचार्ज था एंकी का बेटा मार्डुक, उसने कंप्लेंट करना शुरू किया कि भाई सडनली यहाँ पर जो है ना वो धूल के बड़े बड़े तूफान आने लगे हैं और तेज हवाएं चलने लगी हैं, उनको यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसने कहा कि ये सिचुएशन जो है ना वो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, और हो क्या रहा है कि यहाँ पर आके जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट से बड़े बड़े जो है ना जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो आके गिर रहे हैं, और यही वो पृथ्वी पे भी हो रहा था, बड़ी बड़ी चट्टानें आके यहाँ पर जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट से डिस्प्लेस हो रही थी और आके गिर रही थी पृथ्वी पर भी, लामो यानी मार्स पे भी, और मून पर भी, ये मतलब जो है ना हो रहा था। और एक तरीके की एक तरीके का जो है ना एक हैवॉक जैसा एक जो है वो वहां पर एक बर्बादी जैसी जो है ना वो क्रिएट हो रही थी इन जगहों पर। एंकी और एनलिल ने जो है ना इसके बारे में फिर जो है वो इन्फॉर्म किया नीब्रू को कि ये हम लोग इस तरीके की डिस्टरबेंस हो रही है, कि आपने के पास इसका कुछ है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो वहां से जो मैसेज आई वो थोड़ी सी और इनको जो घबराने वाली थी, वो कोई बहुत अच्छी मैसेज नहीं थी। वहां से मैसेज यह है कि भाई नीब्रू जो है ये अर्थ की तरफ अप्रोच कर रहा है, और इसके आने से जो है जैसे हमेशा पास्ट में भी कई बार मतलब जो है ना हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि जब भी नीब्रू पृथ्वी की तरफ आता था कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पर गड़बड़ पृथ्वी पर होती थी, तो वही अब की बार हो रहा था कि अपने रूटीन अपने जो है ना ऑर्बिट में नीब्रू का जो उस वक्त वो पृथ्वी की तरफ अप्रोच कर रहा था, और उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा था। एक और अजीब गरीब प्रॉब्लम जो है ना इसने क्रिएट कर दी, वो क्या हुआ कि नीब्रू का एक सैटेलाइट था जो उसकी पुरानी जो विजिट हुआ करती थी, पुरानी जब टाइम में ये आया था और जिस जमाने में यहाँ पर ग्रह हुआ करता था तियामत, जिससे इसके सैटेलाइट नीब्रू के वो टकरा गए थे और तियामत टूट गया था, एक हिस्सा उसका जो है ना मून बन गया था, एक हिस्सा उसका जो है ना वो हमारी पृथ्वी अर्थ बन गई थी। उस जमाने में एक सैटेलाइट छटक के जो है ना एक ऑर्बिट में अपना चला गया था, और वहां पर वो डॉर्मेंट मतलब सुसुप्तावस्था में मतलब जो है ना बिल्कुल जो है ना वो वहां पर पड़ा हुआ था। अब जब नीब्रू फिर इस रास्ते से आया तो अचानक से जो है ना ये जो सैटेलाइट था ये एक्टिवेट हो गया, और इससे क्या हुआ कि जब ये एक्टिवेट हो गया तो ये धीरे धीरे जो है ना वो टूटने लगा, और टूट के इसकी जो लेंथ होगी करीब करीब 280 फीट लंबा जो है ना ये टूट गया, और एक पूरी इसके अंदर जो है ना वो पूरा जलती हुई एक आग के गोले में ये बदल गया और पृथ्वी की तरफ जो है ना ये बढ़ने लगा। जब ये पृथ्वी के पास पहुंचा तो मून की जो ग्रेविटी थी उसने जो है ना इस पर असर किया, और इसका जो रास्ता था वो थोड़ा अपने रास्ते से ऑर्बिट से ये थोड़ा सा अलग हटा और पृथ्वी की बजाय ये बढ़ गया मून की तरफ, और उससे क्या हुआ एक अच्छाई ये हुई पृथ्वी के लिए कि ये जो इसका अगर यहां गिरता तो यहां नुकसान बहुत होता, तो वो पृथ्वी के ऊपर गिरने की बजाय गिरा जाकर मून के ऊपर, और वहां पर जो गिरा जाके तो मतलब जो है वो बड़ा तेज बवंडर वहां पर जो है ना वो धूल मिट्टी का वहां पर उठा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो फिर से शांत हो गया, और इधर नीब्रू भी अपने रास्ते जो है ना ऑर्बिट होकर सूरज की तरफ को चला गया, और फिर ये एस्ट्रॉइड्स भी गिरने बंद हो गए। इधर क्या हुआ जब इतनी बड़ी ये विचित्र घटना हुई तो एंकी एनलिल मार्डुक भी तब तक पृथ्वी पर आ चुके थे, और निनुरता ये सब मिले, और इन्होंने जो है ना अब कहा कि भाई अब इसका पूरा जायजा लेना चाहिए, पूरा देखना चाहिए कि हुआ क्या क्या है, इससे क्या क्या जो है हमारे कुछ परमानेंट डैमेजेस तो नहीं हुए। तो एंकी ने जो है क्योंकि वो उनको काफी नॉलेज थी ओशंस की समुद्रों की, तो उन्होंने जो है ना पृथ्वी के जितने समुद्र थे उनका जो है रीडिंग्स और उनका जो है जायजा लेना शुरू किया, और अंदर तक उन्होंने जो है पृथ्वी को स्कैन करना शुरू किया कि देखें क्या हुआ है। लकीली इस डिस्टर्बेंस से एक काम जो है ना वो बड़ा आसान हो गया। हुआ क्या कि ये जो वॉल्केनोज फटे
और ये जो डिस्टरबेंस हुआ उससे जो माइंस के अंदर सोना था ये निकल के बाहर की तरफ आ गया। और जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया था कि ये माइंस जो थी इनमें जो है वो गोल्ड के साथ साथ कॉपर भी था, तो वो कॉपर और गोल्ड दोनों बाहर की तरफ आ गए, तो उसका कलेक्शन आसान हो गया। इधर क्या हुआ कि निनुरता जो है उसने कहा कि मैं जरा देख के आता हूँ कि एडिन के पास क्या क्या हुआ है। तो उसने जाके वहां देखा तो जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म था वो तो अपनी जगह ठीक था, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास की जमीन में जो है उसने चेंजेस देखे कि कुछ चीजें जो है अर्थ से निकल के बाहर की तरफ आ रही हैं। वो क्या था? वो था सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यूम्स, एक मिस्ट जैसी जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड की वो बाहर आ रही थी पृथ्वी से, और बेटुमिन ये जो एक तरीके का कोलता टाइप का जो होता है ना ये बाहर निकल रहा था, और ये सब हुआ था ये ज्वालामुखी फटने की वजह से। तो ये वहां पर एक चेंजेस मतलब जो है ना ये यहां पर शुरू हो गए थे। लेकिन हुआ क्या कि इस चीज ने मार्स के एटमॉस्फेयर को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया, और वहां का एटमॉस्फेयर जो है वो काफी चेंज हो गया। वहां बड़े बड़े जो है वो ये धूल के जो है तूफान वहां और आने लगे और तेज हवाएं वहां पर चलने लगी। और फिर मार्डुक ने कहा कि भाई देखिए अब यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, तो हमको वापस पृथ्वी पर लौटना पड़ेगा। इधर एनलिल ने सोचा कि भाई अगर ये लोग वहां से जो है ना, क्योंकि इगी थे ना वहां मार्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा ये जब यहाँ पर आएंगे तो लैंडिंग स्पेस जो है ना वो खाली जो लैंडिंग प्लेस है वो इनके लिए जो है ना काफी नहीं है, तो इसके आसपास फिर जो है एडिंग के हमको और भी ज्यादा इस तरीके के जो है ना वो लैंडिंग के जो है ना प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। और फिर उन्होंने सोचा कि अब ये जो लैंडिंग प्लेस हम यहाँ पर बनाएंगे वो यहाँ से हमको फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम जो गोल्ड है सीधा यहाँ से वो नीब्रू को भेजें, क्योंकि अब मार्स को भेजने को कोई फायदा नहीं था क्योंकि वहां का जो स्टेशन था वो डिस्टर्ब हो चुका था। तो फिर यहाँ पर जो है उन्होंने इस तरीके की फिर प्लानिंग करके उस पर तेजी के साथ उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये जो सारी घटना हुई, ये सारी जो डिस्टर्बेंस हुई, ये हुई 80वें शार में। 80वें शार मतलब जब वो यहां पर निबूरियंस आए थे लैंड किए थे उसके 80 शार के बाद, यानी कि पृथ्वी के अगर हम ईयर्स के हिसाब से देखें 288,000 साल के बाद, तो 288,000 साल बीत चुके थे उनको यहां पर आए हुए तब तक, और उसके बाद ये जो है ना ये घटना यहां पर हुई थी और इसने काफी चेंजेस किए। तो चलिए अब हम अपने अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या और डेवलपमेंट्स यहां पर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच।